नरसिंहपुर में लोक निर्माण विभाग की कारगुजारियां किसी से छिपी नहीं है। निर्माण चाहे सड़क का हो या फिर पुल का हो, ठेकेदार से अधिकारियों की साठगांठ गुणवत्ता ही निर्माण को ही तवज्जो देती है। इसका उदाहरण जिला मुख्यालय से करीब 11 किलोमीटर दूर नया खेड़ा गरगटा में देखने को मिला। नया खेड़ा में उमर नदी पर गुणवत्ताहीन पुल का निर्माण किया जा रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट धर्मेंद्र लोधी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में ठेकेदार द्वारा डीपीआर के विपरीत काम मटेरियल का उपयोग करने की शिकायत की है। घटिया सामग्री का इस्तेमाल से बारिश में पुल ढहने समेत गंभीर हादसे होने की आशंकाएं बनी रहती है। ठेकेदार की मनमानी पर रोक लगाने की जगह निगम अधिकारियों से संरक्षण दे रहे हैं। विभाग को कई बार शिकायत करने के बावजूद ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उमर नदी पर बन रहे करोड़ों की लागत से पुल की समय सीमा खत्म हो चुकी है, इसके बावजूद निर्माण कार्य कछुए की गति से चल रहा है। एसडीएम राजेश शाह ने अधीक्षण अंतरी पीडब्ल्यूडी को जांच के निर्देश भी दिए हैं। नया खेड़ा में जो पुल बन रहा है वो टोटल गुणवत्ताहीन है, जिसमें कम मटेरियल का उपयोग किया गया है, उसको लेकर मैंने शिकायत की है। कहाँ कहाँ पर? मैंने यहाँ पर कलेक्टर साहब के यहाँ भी आवेदन दिया है और सीएम हेल्पलाइन में 3 बार मैं शिकायत कर चुका हूँ। तो अधिकारी वर्ग जो बैठे हैं यहाँ पर, वो अपने मन से ही जवाब बनाकर वहाँ पर सीएम हेल्पलाइन में प्रस्तुत कर देते हैं और अपन को जानकारी नहीं लगती और शिकायतें बंद हो जाती हैं। मामले की जाँच अधीक्षण यंत्री द्वारा की जा रही है और आते ही सार्वजनिक कर दी जाएगी और ये पूरे संज्ञान में है, जांच चल रही है और सार्वजनिक कर दी जाएगी। नया खेड़ा में जो पुल बन रहा है वो टोटल गुणवत्ताहीन है, जिसमें कम मटेरियल का उपयोग किया गया है, उसको लेकर मैंने शिकायत की है। कहाँ कहाँ पर? मैंने यहाँ पर कलेक्टर साहब के यहाँ भी आवेदन दिया है और सीएम हेल्पलाइन में 3 बार मैं शिकायत कर चुका हूँ। तो अधिकारी वर्ग जो बैठे हैं यहाँ पर, वो अपने अपने मन बनाकर वहाँ पर सीएम हेल्पलाइन में प्रस्तुत कर देते हैं और अपन को जानकारी नहीं लगती और शिकायतें बंद हो जाती है। मामले की जांच अधीक्षण यंत्री द्वारा की जा रही है और रिपोर्ट आते ही सार्वजनिक कर दी जाएगी और ये पूरे संज्ञान में है, जांच चल रही है और सार्वजनिक कर दी जाएगी। नया जो पुल बन रहा है वो टोटल गुणवत्ताहीन है, जिसमें कम मटेरियल का उपयोग किया गया है, उसको लेकर मैंने शिकायत की है। कहाँ कहाँ पर? मैंने यहाँ पर कलेक्टर साहब के यहाँ भी आवेदन दिया है और सीएम हेल्पलाइन में 3 बार मैं शिकायत कर चुका हूँ। तो अधिकारी वर्ग जो बैठे हैं यहाँ पर, वो अपने मन से ही जवाब बनाकर वहाँ पर सीएम हेल्पलाइन में प्रस्तुत कर देते हैं और अपन को जानकारी नहीं लगती और शिकायतें बंद हो जाती है। मामले की जाँच अधीक्षण यंत्री द्वारा की जा रही है और रिपोर्ट आते ही सार्वजनिक कर दी जाएगी और ये पूरे संज्ञान में है, जांच चल रही है और सार्वजनिक कर दी जाएगी। नया खेड़ा में जो पुल बन रहा है वो टोटल गुणवत्ताहीन है, जिसमें कम मटेरियल का उपयोग किया गया है, उसको लेकर मैंने शिकायत की है। कहाँ कहाँ पर? यहाँ कलेक्टर साहब के